बलाज भाई कैसे थे? आज तक किसी का उसने दिल नहीं दुखाया। इनके वालिद साहब भी बहुत नेक आदमी थे। हमारी मोहल्लेदारी उनके साथ जो है ना पिछले 150 साल से थी। वो बड़े जबरदस्त आदमी थे, मजलूम की आवाज बनने वाले आदमी थे। वो प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान सी। रोना ले क्यों हुए हो? के करिए, बहुत चंगा बंदा सी। मैं रहता हूँ यहाँ शालम गेट में, और हमारी मोहल्लेदारी उनके साथ जो है ना पिछले वाकई 150 साल से थी। मेरे वालिद साहब ये बताते थे, हम उनके दादा परदादा को उनको जानते थे, उनके दादा को जानते थे, उनके बाप को जानते थे, और ये भाई हमारा छोटा मीर बलाज टीपू, ये बहुत नफीस आदमी था यार। दो कदम पे तो डेरा है इनका, दो कदम पे डेरा है। हमारा गर्ज शालम में था, वहाँ उनके परदादा हलीफा अब्दुल करीम साहब रहते थे, और उनके नाना जो है वो हलीफा काका वो रहते थे उनके सामने। साथ मेरे भाई अमीर बलाज का कैसा ताल्लुक था? वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, किसी गरीब को किसी मजलूम की आवाज़ बनने वाले आदमी थे वो। उसने ये अपना उर्दू पॉइंट के तवसुल से ही उसने कहा था कि मेरी किसी के साथ कुछ ज़ाती रंजिश नहीं है। हाँ, बिल्कुल कहा था। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जो है ना वो इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिन्होंने हमारे बाप को दादा को कत्ल किया गया है, ताकि वो जो है ना हमारी गवर्नमेंट उनसे वो हमारा मामला, ताकि आपको इंसाफ दिया जाए, वो ये जी ये कोई उनके दाती रिश्तेदार नहीं है, मोहल्लेदार है, मोहल्लेदार है, और ये अपील कर रहे हैं आईजी तलबदार थे, आईजी पंजाब से ये अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बलाज भाई कैसे थे? ये इनके वालिद साहब भी बहुत नेक आदमी थे, और ये बच्चा भी माशाल्लाह खूबसूरत भी था और बहुत प्यार करने वाला था, और आज तक किसी का उसने दिल नहीं दुखाया, हर किसी से प्यार करता था, और लोगों की माली इमदाद के मामले में भी वो हाथ रखता था। किसी की बच्ची की शादी विवाह करना हो तो वो वैसे करने से नहीं काम करते हैं, बाप भी वैसे काम करता और ये भी वैसे ही काम कर रहे थे। बाकी अल्लाह पाक उनको, आपकी आंखों में भी नमी आ गई है बलाज भाई का नाम, जाहिर है वो तो आएगी, वो तो देखते रोजाना यहाँ से गुजरते थे, कभी आज तक उसने कभी किसी को रोक के कोई बदतमीजी किसी के साथ नहीं की, उसको प्यार से बात की है हर किसी का। अल्लाह ने हुसन भी रच के दिया हुआ था, अपने वर्करों के साथ भी उन्होंने प्यार किया है, अपने भाइयों की तरह बच्चों की तरह जैसे भी है उन्हें प्यार रखा हुआ है, किसी के साथ उन्होंने आज तक नहीं की। बलाज भाई का रवैया कैसा रहा है आप लोगों के साथ? रवैया रहा, मेरे पास इनकी एक दुकान है, तो कभी ऊपर नीचे कोई ऐसा मसला नहीं। ये उनकी प्रॉपर्टी है? जी जी, उनकी प्रॉपर्टी है ये। बलाज आप बलाज साहब के किराएदार है? किराएदार है, तो ये होता है कभी एक दो दिन ऊपर हो जाने तो उनके बंदों ने को कहना, उन्होंने कहना चलो ठीक है इसको छोड़ दो, ऐसी प्यार नहीं यार, मार्केट के हालात खराब ने, मार्केट के हालात खराब ने, प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान सी, बस अल्लाह ताला दी। आप क्या सोचते हैं कि अब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, आमीन, और अब क्या सोचते हैं कि अब क्या रवैया होगा आपके साथ? अब भी अच्छा होगा, जाहिर बात उनका खानदान अच्छा खानदान है, तो अच्छा रवैया ही होगा। कैसे थे भाई जान? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, कभी आज तक हमें कुछ भी नहीं कहा, यहाँ से खड़े खड़े रहते हैं। आप यहीं पे होते हैं, मौजूद होते हैं यहीं पे? यहीं पे आज तक कोई बात नहीं हमारे साथ, कभी बात नहीं थी। कितने गनमैन होते थे उनके साथ, फिर भी वो कितना सॉफ्ट हार्टेड बंदा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कभी माली इमदाद भी की उन्होंने? सब लोगों के साथ कहते थे, हम नहीं कहते, यानी आप तो आप नहीं करते, लेकिन आपको पता तो है ना कि माली इमदाद करते रहे। बिल्कुल, और रवैया कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, ये बच्चा था हमारा मीर बलाज, अल्लाह नु प्यारा हो गया। हां, अल्लाह ताला इन जनता ने बागों में रखे, आमीन आमीन। अल्लाह ताला मैं ये वजह सलूक सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਫੇਰ ਕਰਨ ਕੱਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੂ ਬੋਲ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਕੱਢੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਠ ਸੀ साथी थी। आप रोए ना, आप रोए ना, आप रोए ना, आप रोना नहीं, आपने पढ़कर बख्शना है और दुआ करनी है मेरे भाई के लिए। अल्लाह ताला उन्होंने जनता ने बागा में रखे, मालिक भी खालिक भी राज़िक, मेरी दुआ है उनके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्होंने बच्चे बीवी सबर दे, मालिक भी खालिक भी राज़िक। नाज़रीन, ये थे अमीर बलाज साहब के मोहल्लेदार और किराएदार, जिनके साथ गुफ्तगू करते हुए उनकी आंखें पुर नम हो गई। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शाहज़ेब भट्टी को इजाज़त दें।